दोस्तों नमस्कार। जिन लोगों का एनसी क्लियर हुआ है वो लोग उम्मीद करता हूँ कि ऑनलाइन देख लिए होंगे। और अब अगली क्वेरी है कि अब ये मार्कशीट जो है आप तक कब पहुंचेगी। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेशंस कि आप लोग के बहुत मेहनत के बाद या बहुत वेट के बाद कहिए कि लगातार हम भी इस पर वीडियोस बनाते रहे और जो भी अपडेट था देते रहे। और कई बार आप लोग नाराज भी हुए कि सर डेट क्यों नहीं बता रहे हैं, डेट क्यों नहीं बता रहे हैं। तो मैं आपको बोलता था कि देखिए कोई भी फाइनल डेट नहीं है, लेकिन जब भी आएगी ऑथेंटिकेट जानकारी आपको मिलेगी, दी जाएगी और जो भी प्रोसेस होगा वो आप लोगों को भी पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपना एनसी वाला रिजल्ट देख लिया होगा और आपका एनसी के जगह पे पास आ गया है। उसके लिए बहुत लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि सर सिर्फ पास है, उनको बस वो बस पास ही लिखते हैं, है ना। तो उसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं है। और भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज होगी तो उस पर हम वीडियोज बनाते रहेंगे। लेकिन मेन जो आज का हमारा ये है कि सर अब ऑनलाइन तो दिख गया सर्टिफिकेट, लेकिन अब ये हमारे पास कब आएगा। तो देखिए ये सिंपल सी बात है कि आप याद करिए कि ये जो इन्होंने एनसी का नोटिस निकाला था कब निकाला था। मुझे लगता है कि अगस्त के पहले वीक में निकाला था। और अभी आपको जो है ये अगस्त का, अब देखिए 26-27 तारीख, 26 तारीख को उन्होंने आपका ये अपडेट किया, ऑनलाइन अपडेट किया। तो मोटा मोटी 25 दिन उन्होंने, 20 से 25 दिन उन्होंने ऑनलाइन अपडेट करने में लिया। और ऑनलाइन अगर उन्होंने आपको अपडेट कर दिया तो इसके बाद अगला प्रोसेस यही है कि उसकी मार्कशीट की जो प्रिंट कॉपी है वो निकलने शुरू हो जाएगी। तो मेरा जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था ना, आपको 1 महीने से 2 महीने के अंदर आपको, तो आपने देखा कि 1 महीने में आपका ये तो आ गया, ऑनलाइन वाला तो आ गया। अब अगला जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 मंथ से ज्यादा ही लग जाएगा। देखिए मैं आपको एकदम कहते हैं ना कि ज्यादा टाइमलाइन बता के रखता हूं, कम में हो जाए तो और अच्छा। तो मुझे जहां तक लगता है कि मार्कशीट, क्योंकि अभी उनको प्रिंट करनी है और वो प्रोसेस पूरा सारे नोडल सेंटर पे जाएगा, फिर आपके स्टडी सेंटर पर आएगा। तो कहाँ मिलेगा इसका तो क्लियर जवाब है कि आपके स्टडी सेंटर पर ही मिलेगा, ना आपके घर पर आएगा, ना ही आपको और कहीं तीसरे जगह जाके लेना है, आपके स्टडी सेंटर पर ही आपका मार्कशीट आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 1 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि ये मैं आपको जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है या जिस तरीके से आपका एनसी का ऑनलाइन के बारे में मैंने आपको चीजें गाइड की थी उसी के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं। आगे और भी कोई अपडेट आएगी तो आपको पता है कि वीडियो तो आपको लगातार मिलती ही रहेगी। कोई भी छोटी सी भी बात होगी तो एज इट इज मैं आपके सामने वो रखूंगा। फिलहाल के लिए मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीने का समय मोटा मोटी लग सकता है आपका मार्कशीट आपके तक पहुंचने में। उसका 2-3 कारण है। पहला तो कि अब ये जो ऑनलाइन वाला हुआ है वो प्रिंट होगी और प्रिंट होने के बाद वो आपके नोडल सेंटर पर आएगी और वो नोडल सेंटर से आपको आपके स्टडी सेंटर पर आएगी। कहने के लिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये काम तो वो 7 दिन में कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है ऑफिशियल प्रोसेस होता है, सिर्फ वही काम नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जिस प्रकार से 20 से 25 दिन सिर्फ ऑनलाइन अपडेट में लग गया तो उस एवज पे मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 1.5 महीना लगेगा मार्कशीट आप तक पहुंचने में। जल्दी पहुंच जाए तो और अच्छी बात है, 15 दिन में पहुंच जाए तो और भी अच्छी बात है, या कोई और अगर अपडेट आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और बाकी एनसी के नीचे जो एनसी में पास हो गया है उसके नीचे आप लोगों को अभी भी एनसी का एब्रिविएशन जो डिस्क्रिप्शन बोलते हैं वो लिखा आ रहा है, तो क्या अभी भी आप में आ रहा है तो वो आप जरूर कमेंट करके बताइए। ऐसे आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो जस्ट एक जस्टिफिकेशन है। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं उनको वो हटा लेना चाहिए क्योंकि अब वहां पर देख के एक हो सकता है कि किसी के मन में कंफ्यूजन हो, लेकिन आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा उससे आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं है। और क्या अभी भी आपको आ रहा है और जैसा भी है आप लोग कमेंट करके जरूर वो बताइए। लेकिन पास है उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या लिखा आ रहा है, कहाँ पे क्या है, वो जैसा मैंने आपको बताया था वो जस्ट एक डिस्क्रिप्शन है। एक बार फिर से आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेशन। लगातार आप लोग के मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि सर हमारा क्लियर हो गया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके जो कि बहुत लोग का एबी को लेकर है, एसवाईसी को लेकर है, और भी करेक्शन को लेकर है, बहुत सारी चीजें हैं एनआईएस से और भी जुड़ी हुई कई सारी चीजें हैं। तो लगातार हम उस पर आपके बीच में आते रहेंगे, आप वीडियोस को फॉलो करते रहिए। मैं आपको क्लियर बात बताता हूं कि जो भी बात होगी एज इट इज मैं आपको बताऊंगा, नहीं आई है तो मैं बताऊंगा नहीं आई है, झूठ मूठ कहीं नहीं बोलूंगा कि खबर मिल गई है सूत्रों से, ऐसा कुछ नहीं। जो भी एज इट इज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप कभी सुनने में आपको अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, क्योंकि आपके खुशखबरी होगी तो अच्छा लगेगा, नहीं होगी तो बुरा लगेगा। लेकिन जो एज इट इज रहेगी मुझे लगता है कि एक इन्फॉर्मेशन ऐसे ही होनी चाहिए। तो एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।